असलम नाजरन सेमसम टी वी में आपका एक बाफिसा खुश आमदीद कहते हैं नाजरन इंडियन क्रिकेट के फॉलोअर्स को अगर ये लगता है कि कपिल देव वो पहले फास्ट बॉलर थे इंडिया की तरफ से सौ विकेट्स यानी हंड्रेड विकेट्स का माइल स्टोन अचीव करने वाले तो शायद इसमें उनका इतना कसूर नहीं है क्योंकि शायद वो नाइनटीन सेवेंटीज़ की क्रिकेट को फॉलो नहीं करते थे लेकिन जो नाइनटीन सेवनटीज़ की क्रिकेट को फॉलो करते थे उनको पता होगा कि एक इंडिया का अनसंग हीरो और बहुत अंडर रेटेड बॉलर था जिसने इंडिया को कई फतूहत दिलवाई उनका नाम था करसन घावरी इंडिया में क्रिकेट के फॉलोअर्स और दुनिया भर में फैंस शायद करसन घावरी को सिर्फ शुभमन गिल की वजह से जानते हैं शुभमन गिल जो कि इंडिया के नेक्स्ट बिग सुपरस्टार उनके चाइल्डहुड कोच के तौर पर करसन घावरी को जाना जाता है लेकिन करसन घावरी इंडियन क्रिकेट के उस सुनहरे दौर का एक ऐसा हीरा है जिसकी नॉलेज ज़्यादातर लोगों को नहीं है इंडिपेंडेंस से पहले नए गेंद के साथ अमर सिंह और मोहम्मद निसार ने इंडिया का नाम काफ़ी रोशन किया था लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अगले तीन डैकेट्स के लिए स्पिन बॉलिंग का अपर हैंड रहा इंडियन क्रिकेट में और फास्ट बॉलर्स पीछे चले गए उन दिनों में जब इंडिया में क्रिकेट मैचेस और पिचेस स्पिनर्स डोमिनेट करते थे एक मसीहा एमर्ज हुआ था 1978 में कपिल देव के नाम से लेकिन कपिल देव से पहले किसी और ने भी डेब्यू किया था जिसने कपिल देव के साथ न्यू बॉल पार्टनरशिप कायम की और नाइनटीन थर्टीज़ में अमर सिंह और मोहम्मद निसार के बाद नया न्यू बॉल प्लेयर इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में उभर कर सामने आया ये माना जाता है कि 1978 में कपिल देव के आने के बाद ही फास्ट बॉलर्स के लिए सीन चेंज हुआ था लेकिन कपिल देव के आने से बिल्कुल पहले का जो दौर है उस इनिशियल फेज़ में एक ऐसा मीडियम पेसर भी था जो रीज़नेबल स्पीड पे तो बॉलिंग करता ही था लेकिन उसके पास वो तमाम हथियार मौजूद थे जो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट पे कामयाब करते करसन घावरी का पूरा नाम था करसन देवजी घावरी उन्होंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट सात साल खेली फ्रॉम 1974 टू 1981। घावरी वाज आल्सो मोर अ यूजफुल हार्ड हिटिंग लोअर ऑर्डर बैट्समैन इसके अलावा घावरी का रनअप बहुत लंबा था और करते वो मीडियम पेज थे लेकिन बॉल को मूव करने की सलाहियत उनमें मौजूद थी और जब बॉल पुराना हो जाता था तो घावरी अपना रनअप शॉर्ट करके स्पिन बॉलिंग भी करने लग जाते थे इंडियन सीमर्स की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 100 प्लस विकेट्स लेने की लिस्ट में कृष्ण घावरी का नाम आज भी सुनहरे रूफ़ में लिखा जाता है उनकी एवरेज 33.54 थ्री पॉइंट डज नॉट साउंड अमेजिंग लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने ज्यादातर बॉलिंग अपनी इंडिया में की और अगेंस्ट द विंड की यह एवरेज इतनी बुरी नहीं लगती उनके पास एक ऐसा हथियार भी था जो बैट्समैन को धोखा देता था उनका लंबा स्लो रनअप और बॉलिंग करना मीडियम पेज पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके पास एक ऐसा डिसेप्टिव बाउंसर होगा जो इतना तेज़ होगा और अचानक से एक बाउंसर कर देते थे जिसके चर्चे ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में मशहूर हैं बल्कि डोमेस्टिक सर्किट पर भी उनके बाउंसर के काफ़ी चर्चे थे डोमेस्टिक लेवल पर बैट्समैन उनके बाउंसर से घबराते थे दिलीप वेंगसारकर एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं जब एक उत्तर प्रदेश के ओपनिंग बैट्समैन रांझी मैच से पहले बॉम्बे के ड्रेसिंग रूम में आए और घावरी के पाओं को हाथ लगा के कहा कि प्लीज़ बाउंसर ना कीजिएगा घावरी की एवरेज इंडियन सीमर्स में टॉप फाइव टॉप सिक्स में से एक है और जो टॉप के बॉलर्स हैं कपिल देव जवागल श्रीनाथ इरफान पठान और जहीर खान उनकी तरह कसन घावरी ने कभी भी किसी कमजोर या छोटी टीम के खिलाफ बॉलिंग नहीं की उनके थर्टी नाइन टेस्ट मैच में से सिर्फ तीन न्यूजीलैंड के खिलाफ थे जो उस जमाने में जो नाइनटीन सेवेंटीज की सबसे वीकेस्ट टीम मानी जाती थी और इंडिया के पास लेट नाइनटीन और अर्ली नाइनटीन में एक अच्छा इंपॉर्टेंट बॉलिंग अटैक था जिसे लीड करते थे कपिल देव सपोर्ट मिलती थी अच्छी घावरी की तरफ से अच्छे स्पिनर्स थे दिलीप दोषी और शिवलाल यादव और इन सब ने बिशन सिंह बेदी और भगवत चंद्रशेखर के बाद इंडियन क्रिकेट को काफी सर्विसेज प्रोवाइड की घावरी एक बहुत एलिगेंट एग्रेसिव बैट्समैन भी थे थाउजेंड प्लस रन करने वालों की लिस्ट में से वो बहुत क्लोजली मिस आउट कर गए घावरी बिलीव्ड इन प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड प्लेइंग हार्ड लेकिन ये बात सिर्फ उनकी बॉलिंग और बैटिंग तक ही महदूद थी फिटनेस ट्रेनिंग और फील्डिंग को वो इतना सीरियस नहीं समझते थे ना उन पर इतना ध्यान देते थे कपिल देव ने भी उनके लैक ऑफ एथलेटिसिज्म और फील्डिंग के बारे में बात की है और ज़िक्र किया है कि वो ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करते थे लेकिन कपिल देव ने तारीफ़ों के पुल भी बांधे घावरी के लिए क्योंकि कपिल देव के मुताबिक घावरी ये जानते थे कि रनस कैसे स्कोर करने हैं और विकेट्स कैसे हासिल करनी घावरी पैदा हुए थे राजकोट में और फिर अपनी अर्ली एज में बॉम्बे माइग्रेट कर गए थे क्रिकेट खेलने के लिए उस वक्त उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी और उनको एस एसीसी सीमेंट्स में अपनी पहली डे जॉब मिलनी थी क्लब क्रिकेट में रेगुलर होने के बाद उनको बॉम्बे की क्रिकेट की कंपेटिटिवनेस का अंदाज़ा हो गया था जिसने उन्हें तैयार कर दिया था आगे की सख्त क्रिकेट के लिए और उनकी गेम एक अलग ही नए लेवल पर चली गई थी घावरी ने अपना करियर स्टार्ट किया था वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ नाइनटीन और नाइनटीन में जब वेस्ट इंडीज़ इंडिया आई थी इस वक्त तक कपिल देव का डेब्यू नहीं हुआ था जिसका मतलब ये है कि इस वक्त तक इंडियन फास्ट बॉलर्स म्यूजिकल चेयर की तरह एक के बाद एक एक दूसरे को रिप्लेस करते थे एक टेस्ट मैच कोई और खेलता था तो अगला टेस्ट मैच कोई और खेलता था यहाँ तक कि सुनील गवास्कर भी कभी कभी नया गेंद करते थे वेस्ट इंडीज़ के टूर गेम में वेस्ट जोन की तरफ से उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स को उनको सेलेक्ट करने पर मजबूर कर दिया और उसके साथ साथ पहले दो टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मीडियम पेस आबिद अली और एक नाथ सोलकार उनकी बुरी परफॉर्मेंसेस ने भी घावरी की सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले किया और दोनों टेस्ट मैचेस इंडिया ह्यूज मार्जिन से हार गया था और जब तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिलेक्टर्स बैठे तो उन्होंने टीम को नई लुक देने का फैसला किया और पांच चेंजेस किए एक उसमें कसन घावरी थे घावरी ने बैटिंग में तो इतना कुछ खास नहीं किया और बाद में एक विकेट भी हासिल की लेकिन सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने विश्वनाथ को वो बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड की जब चौथे दिन मैच बिल्कुल इवनली पॉइसड था तीसरे दिन स्टम्प से पहले जब इंडिया 192 नाइनटी टू फोर सिक्स था वो तो घावरी ने विश्वनाथ को ज्वाइन किया था और वो इवनिंग सर्वाइव करने में कामयाब रहे थे लाइव लॉयड ला ने अपने फास्ट बॉलर्स एंडी रॉबर्ट्स बर्नार्ड जूलियन और वैनबर्न होल्डर को खुली आजादी दी थी कि दोनों बैट्समैन पर टूट पड़े लेकिन दोनों बैट्समैन सर्वाइव कर गए विश्वनाथ तो टॉप फॉर्म में थे और उन्होंने जूलियन और रॉबर्ट्स को बड़ी आसानी के साथ टैकल किया लेकिन होल्डर ने अपनी सीम बॉलिंग से विश्वनाथ को काफी प्रॉब्लम्स दिए लेकिन जो टेम्परामेंट और मेचोरिटी उस वक्त उस डेब्यूटेंट ने शो की वो दुनिया ने विटनेस की घावरी ने होल्डर को बेहतरीन तरीके से टैकल किया उन्होंने 91 वन रन एड किए सेवंथ विकेट के लिए और इंडिया को 300 हंड्रेड रन का मार्क क्रॉस करने में भी मदद की जिसने इवेंचुअली इंडिया को टेस्ट मैच एटी फाइव से जीतने में कामयाब किया ऐसी ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस अगले टेस्ट मैच में चेन्नई में दी जहां पे घावरी ने अंशुमन गायकवाड के साथ आठवीं विकेट के लिए एट्थ विकेट के लिए 68 करने करने में 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 मदद की इनिंग्स में। और इंडिया को 255 रन्स का टारगेट सेट करने में भी उनकी मदद की इंडिया वो मैच फिर से हंड्रेड रन से जीता सीरीज में जीरो टू से कम करते हुए टू टू से सीरीज बराबर की मुंबई में लास्ट टेस्ट मैच में घावरी ने 35 ओवर्स किए और 140 सौ चालीस रन दे के चार विकेट्स भी हासिल किए जब सीरीज एंड हुई तो घावरी ने अपना लोहा न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी मनवा लिया था और उन्होंने अपनी इस एबिलिटी को जो उन्होंने शो और प्रूफ की और प्रूव की मुश्किल औक़ात में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ठंडे दिमाग से और मेचोरिटी के साथ टेम्परामेंट के साथ बैटिंग करने की सलाहियत उसने काफ़ी लोगों की नज़रें करसन घावरी की तरफ दौड़ा दी करसन घावरी को फाइंड ऑफ द सीरीज़ भी कहा जाने लगा अब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि घावरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में इंडिया के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगला टेस्ट मैच घावरी ने नहीं खेला अनफॉर्चुनेटली जो स्क्वाड 1975 और 76 में इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज के दौरों के लिए न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज गया कसन घावरी को उन स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था और इसकी वजह 1975 के वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वो पूर बॉलिंग स्पेल था और कुछ ना कुछ उनकी फिटनेस थी नाइनटीन और सेवनटी के सीजन में उनको इंडियन टीम में वापस शामिल किया गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जब दोनों टीम्स इंडिया आईं उन एय टेस्ट मैचेस में से घावरी ने फाइव टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया और उनकी परफॉर्मेंसेज बोथ विद द बैट एंड द बॉल ऐसी नहीं थी जिसके बारे में लिखा जाए लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो कि मुंबई में हो रहा था उन्होंने अपना पहला फाइव विकेट टेस्ट हॉल हासिल किया लेकिन सरप्राइजिंगली ये फाइव विकेट हॉल उन्होंने अपनी मीडियम पेस से नहीं हासिल किया उन्होंने स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन की और अपना पहला पाँच विकेट हॉल टेस्ट मैच क्रिकेट में हासिल किया सीरीज़ के आखिरी टेस्ट मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को 214 हंड्रेड का टारगेट दिया था और वो पिच टर्नर थी वहां पे बेदी प्रसन्ना और चंद्रा टुक ओनली टू विकेट्स बिटवीन देम यानी तीनों ने सिर्फ दो विकेट्स हासिल की एक टर्निंग पिच पे लेकिन घावरी ने स्पिन बॉलिंग करते हुए अपना पहला फाइव विकेट हॉल हासिल किया और 33 थ्री रन पर पाँच आउट किए और जब मैच खत्म हुआ इंग्लैंड सात विकेट के नुकसान पर वन फिफ्टी टू रन बना सका था घावरी को कभी सेलेक्ट करना और कभी ना सेलेक्ट करना यह कॉन्टिन्यू रहा आगे भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के दौरों पर नाइनटीन सेवनटी से नाइनटीन सेवेंटी एट में जहाँ पे उन्होंने आठ टेस्ट मैचेज में से सिर्फ चार में ही हिस्सा लिया इसकी एक वजह यह भी थी कि जो कप्तान थे बिशन सिंह बेदी उनको करसन घावरी जितना ही भरोसा या करसन घावरी से कुछ ज्यादा भरोसा अपने दूसरे मीडियम पेसर मदन लाल पे था जो घावरी के राइवल थे उस सिंगल स्पॉट के लिए टीम में घावरी ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तीन टेस्ट मैचेस खेले ही अप 11 विकेट्स एट 24.83 इंक्लूडिंग 7 फॉर 138 इन द डिसाइडर एट एडिलेड इसके अलावा उन्होंने सिडनी में क्रूशी फोर रन की इनिंग्स भी खेली ये इसी सीरीज में था जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को लगातार कंसिस्टेंटली घावरी ने अपने बाउंसर से तंग किया और उनके लिए मसाइल पैदा किए और उन्होंने जेफ थॉमसन को भी बाउंसर मारा और एक तरह से बदला लेने की कोशिश की जेफ थॉमसन से जो इंडियन बैट्समैन को काफी बाउंसर्स मारते थे और जब एक इंडियन प्लेयर ने उनको समझाने की कोशिश की तो बेदी ने उस प्लेयर को रोका और घावरी को कंटिन्यू करने का कहा यह इसी सीरीज़ के बाद था जब बेदी ने घावरी को एक टेरिफिक टीम मैन मैन और एक का टाइटल दिया था पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कपिल देव की एंट्री के बाद उनकी प्लेस कपिल देव ने ले ली थी और सिर्फ तब जब सुनील गवास्कर कप्तान बने थे दिसंबर 1978 में वो एक ऐसा दौर था जब घावरी टेस्ट मैच क्रिकेट अनइंटरप्टिड खेले थे एक लॉन्ग रन में कंसिस्टेंटली खेले थे और उनको एक लॉन्ग रन दिया गया था गवास्कर की तरफ से घावरी की पीक वो होम सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1978-1979 में जब इंडिया ने सिक्स टेस्ट सीरीज नैरो मार्जिन ऑफ वन ज़ीरो से जीती थी घावरी ने अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी प्रेजेंस इंडिया को वहाँ पर भरपूर तरीके से फील करवाई घावरी अप 27 विकेट्स एट एट स्ट्राइक रेट ऑफ़ 45.3 और दोनों साइड्स के तमाम बॉलर्स में घावरी ने तीनों पैरामीटर्स में एवरेज विकेट्स और स्ट्राइक रेट में टॉप किया कपिल देव जिन्होंने 17 विकेट्स ली थी सन घावरी ने एक ऐसा न्यू बॉल प्लेयर इंडिया के लिए कायम कर दिया था जिन्होंने नाइनटीन के बाद पहली दफा स्पिनर्स को पीछे कर दिया था लेकिन ये यही सीरीज थी जिसके बाद घावरी स्टार्टेड टू फेड आउट घावरी कैप्टन असिस्टिंग कपिल एंड द स्पिनर्स अपनी प्लेस प्लेइंग एलेवन में रिटेन करने में वो कामयाब हो ही जाते थे इंडिया के डिजास्ट्रस 1979 वर्ल्ड कप कैंपेन का भी वो हिस्सा थे और उन्होंने भी वैसी ही परफॉर्मेंस दी जैसा कि बाकी इंडियन प्लेयर्स ने दी वक्त के साथ घावरी कपिल देव को असिस्ट करते रहे कपिल देव अटैक के लीडर बन गए थे तेरह टेस्ट मैचेस हुए थे 1979 और 1980 के सीजन में घावरी ने गोल्डन जुबली टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ उन तेरह टेस्ट मैचेस में सिर्फ उस एक मैच में फाइव विकेट हॉल लिया था लेकिन बैटिंग के साथ बहुत से ऐसे मौके थे जहां पे घावरी ने इंडिया के लिए अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी बॉम्बे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 99 बॉल 86 रन स्कोर किए जो कि उनका करियर बेस्ट था With 12 fours and sixes. और 127 यादव के साथ दोषी के साथ और वो मैच इंडिया के लिए सेव करने में कामयाब हुए और फिर कलकत्ता टेस्ट मैच में उसी सेम सीरीज में वन थर्टी फाइव फोर सेवन पे वो वॉक इन करते हुए आए ग्राउंड में और वंस अगेन ही प्लेड अ अक्रूशल नॉक ऑफ 37 सेवन नॉट आउट टू गाइड इंडिया टू टू जीरो फाइव इस इनिंग्स ने वो टेस्ट मैच पाकिस्तान की रीच से बाहर कर दिया था जब ऐसा लग रहा था कि घावरी फेड आउट कर रहे हैं और अब वो जल्द टीम से बाहर हो जाएंगे तो घावरी ने एक और स्पेशल बॉलिंग स्पेल इंडिया के लिए किया गोल्डन जुबली टेस्ट जो कि अमूमन इन बोथम की हीरोइक्स के लिए याद किया जाता है जिसमें उन्होंने 114 सौ चौदह किए थे और तेरह विकेट्स भी हासिल की थी यहाँ फिर विश्वनाथ वो टेलर को वापस बुलाना और दोबारा बैटिंग का मौका देना लेकिन इस लूजिंग कॉज में घावरी लॉन वॉरियर था उन्होंने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 52 टू देकर फाइव विकेट्स हासिल किए और इंडिया के टेस्ट टूर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना स्पॉट एक बार फिर से कन्फर्म कर दिया इंडिया ने पहला टेस्ट मैच सिडनी में एक इनिंग्स से हारा लेकिन कपिल और घावरी ने आस्ट्रेलिया की उसी वाहिद एक इनिंग्स में जो उन्होंने बैटिंग की थी दोनों ने उसमें पाँच पाँच विकेट्स हासिल किए घावरी ने नाइन्थ विकेट के लिए सेकेंड इनिंग्स में किरमानी के साथ 57 सेवन रन्स भी ऐड किए थे लेकिन इंडिया के लिए वो टेस्ट मैच बचा नहीं सके ये इसी टेस्ट मैच में था जब उन्होंने 100 टेस्ट विकेट का मार्क अचीव किया था जब उन्होंने रोडनी मार्च को आउट किया था सेकेंड टेस्ट मैच एडिलेड में जब फोर्थ इनिंग्स हो रही थी आखिरी इनिंग्स इंडिया सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था और इंडिया की आठ विकेट्स डाउन थी तो घावरी और यादव Aur wo test match india ke liye bacha liya. Greatest fast bowler in the world, possibly of all time. One over remaining. Final over. Six balls, two wickets required. Carson Garvey, the left hander. Look at that field. Three slips, two silly points. Two short legs, two leg gullies. And it's Dennis Lilly, the great Dennis Lilly. He gets it away. Will we take a second? Oh dear, oh dear, I don't think I'd have done that. I'd have left Yardo up there, but still, he must be confident. Carson Garvery, five balls remaining in this test match. And isn't it strange how, in moments of high pressure, Australia rely on Dennis Lilly? over. Well played. He doesn't want to run, he's confident. Carson Garvery, he'll play out the remaining balls. You stay up the non strikers in Yardo. Well, that's confidence, he's even got a smile. He gets a bottom edge, keeps it out. Three balls remaining. Can the great Dennis Lilly, 243 test wickets. Get two wickets in three balls. Well, it will be the finest of line decisions if he can. <laughs> um, How would you like to be the umpire, Frank? Close LBW now. Well, there's only one crisis in umpire, that's the next appeal. Oh, well, there it is, they survived. Two balls remaining. India fighting for draw, they fought hard all day. Capel's having a bit of a smile. He fiddled outside the off stump. He's quite happy at the moment. I'll be very happy to go to Melbourne. Only one down. Confidence, Carson Garvery, Dennis Willie, digs in. Oh, how close. He survives, and India survives. And uh, Dilip Doshi has a smile to himself. Dennis Willie, Big shout. No, says the umpire. At the end of the match, a draw try fight back by india they stuck it at it well at stumps 8 for 1 india's number 9 and 10 hung on at the end to force a draw and go into the third test only one match down. or per the battle final test match kitaro t's rate test match melbourne mcgavary again came up with a crucial spell a strong australian batting line-up 143 runs dar karta jee tini yadav or kapil dev dono injert or doshi he was also barely able to bowl gavary in a bowling open key with sandeep patel. और विदिन मिनट्स उन्होंने जॉन डाइसन को कॉर्ड बिहाइंड करके आउट कर दिया ग्रेग चैपल नेक्स्ट मैन इन थे और उन्होंने इस सीरीज में हैविली स्कोर किया था लेकिन पहली इनिंग्स में भी घावरी ने ग्रेग चैपल को आउट किया हुआ था घावरी का कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत हाई था और इंडिया को ये यकीन दिलाने के लिए कि वह टेस्ट मैच जीत सकता है ग्रेग चैपल को आउट करना वहां पर बहुत जरूरी था इस वक्त चैपल ने अपना लेग स्टम्प थोड़ा सा एक्सपोज किया हुआ था घावरी सो द अपॉर्चुनिटी एंड बोल्ड ग्रेग चैपल राउंड हिज लेग्स और गोल्डन डक पहली बॉल पे डैमेज हो चुका था ऑस्ट्रेलिया इलेवन फॉर टू था एंड दे नेवर मेड अ कम बैक इंडिया बोल्ड आउट ऑस्ट्रेलिया फॉर एटी थ्री रन द टेस्ट मैच ये एक ऐसी यादगार विक्ट्री है जो इंडिया की हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाती है और इसका जिक्र और तस्करा अक्सर औकात सुनहरी हरूफ में किया जाता लेकिन सरप्राइजिंगली हैरानक तौर पर उन्होंने इसके बाद सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला अगली सीरीज में जो कि न्यूजीलैंड में थी घावरी वॉज योगराज सिंह एंड बिनी इन द फर्स्ट टेस्ट मैच जो इंडिया हार गया था क्राइस्ट चर्च में दूसरे टेस्ट मैच के लिए उनको वापस लाया गया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक विकेट हासिल की तीसरे टेस्ट मैच में गवास्कर डेस्परेट थे जीतने के लिए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया तीन स्पिनर्स के साथ जाने के लिए और इससे एक एब्रप्ट एंड आया घावरी के करियर को इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जो 1981 और टू में थी घावरी वॉज स्टिल इन द रेकनिंग टू बी कपिल न्यू बॉलिंग पार्टनर लेकिन सरप्राइज़ दिया सेलेक्टर्स ने जब उन्होंने मदन लाल को टीम में अनाउंस कर दिया वही मदन लाल जो घावरी के पहले बॉलिंग पार्टनर थे जब घावरी ने टेस्ट डेब्यू किया था मदन लाल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था कसन घावरी कुछ टेस्ट मैचेस में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो ये रीज़न शायद सेलेक्टर्स के लिए काफ़ी थी कि कसन घावरी को मदन लाल से रिप्लेस कर दिया जाए हालांकि कप्तान सुनील गवास्कर ने इस डिसीजन पे सलेक्टर्स से अपने गुस्से का इजहार किया था और उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था इसके बावजूद उनकी टीम में सिलेक्शन ना हो सकी मदन लाल ने इस ऑपरचुनिटी को दोनों हाथों से कैश इन किया और सेकेंड इनिंग्स में ही पिक अ फाइव विकेट्स फॉर ट्वेंटी थ्री रनस पहले टेस्ट मैच में सीरीज़ की और इस तरह उन्होंने अपनी प्लेस इंडियन टीम में एक बार फिर से पक्की कर दी इसके बाद घावरी डोमेस्टिक क्रिकेट से गायब होने लग गए उन्होंने कोई सीरियस अटैम्प्ट भी नहीं किया अपने कम के लिए नेशनल साइड में वापस आने के लिए शायद उसकी एक वजह ये थी कि वह ऑलरेडी अपने लेट थर्टीज़ में थे या फिर ये कि उन्होंने टीम में अपनी जगह लैक ऑफ इंक्लिनेशन ट्ड्स फिटनेस की वजह से खोई थी उन्होंने अपना लास्ट फर्स्ट क्लास मैच 1984 और 85 के सीजन में खेला था उसके बाद वो मुंबई रणजी ट्रॉफी साइड के सेलेक्टर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे और कुछ मुख्तर अरसे के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी उनकी वाबस्तगी रही सो so, कर्सन घावरी इंडियन साइड के लिए अपने स्टैट से बहुत बढ़कर थे 109 विकेट्स एंड विकेट से नाइन थर्टीन रन इन टेस्ट मैचे वो शायद इनका कैलिबर इतना ऊंचा तो नहीं दिखाते लेकिन उनके साथ खेलने वालों को और उनके अगेंस्ट खेलने वालों को अंदाज़ा है कि कर्सन घावरी कितने बड़े फाइटर थे क्रिटिकल मोमेंट्स पे उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग से बल्कि अपनी बैटिंग से भी चिप इन किया उनके पास एक ऐसा बाउंसर था जो बहुत मुश्किल था रीड करना जो अचानक से वो कर देते थे क्योंकि वो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि अचानक से ये मीडियम पेसर जो इतना स्लो भागता हुआ आ रहा वो एक ऐसा बाउंसर करेगा उनकी स्टॉक डिलीवरी वही थी जो लेफ़्ट आर्म पेसर्स की होती है विच स्विंग्स अवे फ्रॉम राइट हैंड बैट्समैन और इस पर उन्होंने काफ़ी विकेट्स हासिल किए बैट्समैन के तौर पर वो काफ़ी एक्पलिश थे जब भी टीम को रिक्वायरमेंट होती थी घावरी ने हमेशा वहाँ पर डग इन किया एफ्ट कि उनकी मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स हमेशा वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ आई हैं वेस्ट इंडीज़ हो या पाकिस्तान ये उन टेस्टामेंट है हिज एबिलिटीज एंड हिज़ टेम्परामेंट हालांकि सेलेक्टर्स ने उनको कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं किया जब तक कि सुनील गवास्कर कप्तान नहीं बन गए थे और फिर उनको एक कंसिस्टेंट लॉन्ग रन मिला लेकिन घावरी ने कभी भी इन चीज़ों को अपनी परफॉर्मेंसेस के बीच में नहीं आने दिया ना ही उन्होंने कोई बहाना ढूंढा जब, जब जब उनको मौका दिया गया घावरी ने अपनी जिम्मेदारी समझ के इंडिया के लिए वो परफॉर्मेंस दी जो इंडिया के लिए ना सिर्फ फ़ायदा मंद रही बल्कि यादगार भी रही इंडियन क्रिकेट के नाइनटीन सेवनटीज़ के फॉलोअर्स कभी भी करसन घावरी को भूल नहीं सकेंगे ना ही उनकी परफॉर्मेंसेस और सर्विसेज को फरामोश कर सकेंगे उनका नाम उस बेहतरीन फेज़ की याद दिलाता है जब इंडियन टीम ने अपने आप को 1974 में नीचे से उठाना शुरू किया था और अपने आप को लेट नाइनटीन और अर्ली नाइनटीन में एक फॉरमिडेबल टेस्ट मैच टीम प्रूव करना शुरू किया था कसन घावरी इज़ एन अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट जिनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी इसी के साथ नाजरीन आपसे लेते हैं इजाज़त अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा कि आगे आप कौन सी स्टोरीज़ और वीडियोस देखना चाहते हैं इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सिमसिम टी की तरफ से अल्लाह हाफ़